और आपको सीधे सरायकेला लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत आज सरायकेला में हो रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच पर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। साथ ही
में हो रही है कम, आओ पौधारोपण करें हम, हरियाली खुशहाली और विकास का प्रतीक ये नन्हा पौधा और ये अंग बरसो। मेरा अगला आग्रह होगा श्री कुमार रजत सहायक समाहर्ता सरायकेला से माननीय विधायक श्री नीरज पूर्ति जी हमारे बीच आपकी गरिमामय उपस्थिति है महोदय। ये सम्मान आप तक, सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं। मेरा अगला ये महोदय अंगवस्त्र, मेरा अगला आग्रह हुआ श्री कुमार अर्णव मिश्रा सहायक समाहर्ता पश्चिमी सिंहभूम माननीय विधायक हमारे बीच है श्रीमती सविता महतो मैम, हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं महोदया। मेरा अगला आग्रह हुआ अपर उपायुक्त सरायकेला खरसावा श्री संजय कुमार दास सर से हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति है माननीय विधायक आदरणीय श्री मंगल कालीन जी सर की, हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। अपर उपायुक्त सरायकेला खरसावा श्री संजय कुमार दास सर से मेरा निवेदन और सम्मान स्वरूप तालियों की दरदराहट जरूर होनी चाहिए। ये भव्य आयोजन है माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय के करीब का ये समारोह है। अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ उप विकास आयुक्त पूर्व सिंहभूम से माननीय विधायक श्री रामदास सुरीन सती गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच है, हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक प्रदान कर रहे हैं महोदय। सम्मान स्वरूप तालियों के गड़गड़ाने चाहूंगी आप सर से ये अंग वस्त्र और ये पौधा हरियाली खुश खाली का प्रति। अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ परियोजना निदेशक IDBA श्री दीपांकर चौधरी सर से माननीय विधायक आदरणीय श्री समीर कुमार मोहंती जी की उपस्थिति में मैं अगला निवेदन करना चाहती हूँ उप विकास आयुक्त सरायकेला खरसावा प्रभात कुमार बंडियार सर से माननीय विधायक गांधी विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्रीमती कल्पना मुर्मू सोनी मैम की उपस्थिति हमारे बीच है, हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं महोदया। सम्मानित अतिथि के रूप में आज आप विराजमान है हमारे बीच ये नन्हा पौधा। अब मैं मेरा अगला आग्रह होगा श्री परियोजना निदेशक IDBA पूर्व सिंहभूम श्री दीपांकर चौधरी सर से हमारे बीच माननीय विधायक आदरणीय श्री संजीव सरदार सर की उपस्थिति, हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। और ये अंग वस्त्र धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा कुमार अर्णव मिश्रा सहायक समाहर्ता पश्चिम सिंहभूम से हमारे बीच उपस्थिति है माननीय विधायक श्री सुखराम उरांव सर की, हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। और तालियां सम्मान स्वरूप के भव्य और विशाल आयोजन झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये सम्मान है हमारी दीदियों का, ये सम्मान है हमारी बहनों का। और अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ अपर उपायुक्त सरायकेला खरसावा श्री संजय कुमार दास से हमारे बीच उपस्थिति है माननीय विधायक सोनाराम सिंह सती, हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। ये अनुवस धन्यवाद सर। ये भी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देव तुल्य हो अक्षत पशु सब तुम पर हो। और अब तम सुमाज्योति कवि आइए चलिए सरकार की योजनाओं के माध्यम से प्रकाश की ओर, आइए चलिए धरती से आकाश की ओर। माननीय मुख्यमंत्री की एक बेहतरीन सोच झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दीदियों के चेहरे पर खुशहाली और चमक लाए, इसी संकल्प के साथ साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलित कर आज के इस भव्य और विशाल कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। समस्त अतिथिगणों से निवेदन होगा कि दीप प्रज्वलन में आप अपनी सहभागिता दें, ये अविस्मरणीय और ऐतिहासिक पल है, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये दीप माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का दिया है, ये दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का दिया है, प्रगति का पहिया कभी रुकने न पाएगा, झारखंड
खंड का विकास कभी थमने न पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का ये गहरा का संकल्प है आज यहाँ पर, ये दीये की रोशनी कभी मध्य नहीं होगी। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी और विशिष्ट अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। अबुआ आन बान और शान, ये है योजना मैया सम्मान। उपस्थित देवी और सज्जनों, चट्टानी इरादों की बेमिसाल पहल, रोटी कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बाद अब राज्य की बहन बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प गहरा रहा है। खुशियों का उपहार हर महीना को साल में मिलेगी राशि 12,000। जी हाँ, और इस राशि को देने के लिए कोलहान प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों की करिमामय उपस्थिति है, ऐसे में स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश हेतु मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ आयोग कोलहान प्रमंडल आदरणीय श्री हरिंद्र कुमार केसी सर से। प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित, अमूल्य रत्नों से समृद्ध एवं असीमित संभावनाओं से परिपूर्ण भगवान बिरसा मुंडा वीर फोटो हो जैसे अमर शहीदों की पुण्य भूमि फुटबॉल मैदान रापचा डबरिया में आयोजित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को सम्मान राशि के हस्तांतरण के कोल्हान प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में राज्य के युवा कर्मठ एवं कुलदशी मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी का कोल्हान वासियों की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा उद्योग विभाग झारखंड श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण सह खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग झारखंड के श्री बदना गुप्ता जी, माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड श्रीमती बेबी देवी जी, माननीय मंत्री अनुजाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण सह परिवहन विभाग झारखंड श्री दीपक वर्मा जी एवं मंच पर विराजमान सभी कार्यक्रम अतिथियों एवं पदाधिकारी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मंच पर उपस्थित श्रीमती जोबा मन जी, माननीय सांसद सिंधु संसदीय क्षेत्र तथा मंचाधीन माननीय विधायकगण श्री राम दास सोलन जी, श्री नीरज कुर्ति जी, श्री सुखराम उदाव जी, श्री दशरथ कटकाई जी, श्रीमती सविता महतो जी, श्री सोनाराम सिंघू जी, श्री मंगल कालिंदी जी, श्री समीर मुखर्जी जी, श्री संजीव सरदार जी एवं माननीय विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित मानकी एवं मुंडागण देश विद्या के बंधु तथा इस कार्यक्रम में शिवम कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिला से आए हुए प्रतिभा प्रत्याभिगण का स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले के योग्य लाभुकों को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा सम्मान राशि के रूप में पहली किस्त की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार की महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एक महान अभियान है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की दर से सालाना 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। आज के एक उत्सव महिलाओं को समर्पित है। महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाई गई योजना के धरातल पर साकार होने के उद्देश्य में आज कोल्हान की धरती पर उत्सवी आयोजन किया जा रहा है। हमें संपूर्ण आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से आरंभ की गई इस योजना के तहत आर्थिक सहायता का लाभ उठाकर 21 से 50 वर्ष की राशि कर्मठ महिलाएं स्वरोजगार बच्चों की पढ़ाई एवं अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगी। अंत में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों का प्रशासन सरकार की सभी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आम जन तक पहुंचाने तथा लोगों की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं पर खरा उतरने का सतत प्रयास करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी का स्वागत एवं धन्यवाद।
आपके स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आयुक्त कोटा प्रमंडल अदनेश जी हरि कुमार केसरी सर। साथियों आज ये जो दृश्य है ये ऐतिहासिक दृश्य है, सबकी भावनाएं हमारे दीदियों के लिए है, सबकी भावनाएं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के लिए है और इन्हीं भावनाओं को अपने हृदय से जोड़ते हुए अपनी बातों को गीतों के माध्यम से रखने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं माननीय विधायक आदरणीय श्री दशरथ गुप्त गगराई जी। मैं सादर निवेदन करती हूँ महोदय। आज कोल्हान प्रमंडल की सरायकेला विधानसभा क्षेत्र की गमालिया प्रखंड अंतर्गत ऐतिहासिक राबचा के फुटबॉल मैदान में राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के योजनाओं का परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में हम सबों के बीच में उपस्थित राजकीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन साहब, मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, कोल्हान प्रमंडल के सभी साथी विधायकगण, माननीय मुख्यमंत्री की धर्मपति विधायिका श्रीमती कल्पना सोरेन मुर्मू साहिबा, हमारे कोल्हान प्रमंडल के कमिश्नर साहब, तीनों जिला के डीसी एसपी साहब, राज्य सरकार के विभिन्न आयोग के हमारे उपाध्यक्ष और मंच पर मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण एवं प्रेस के बंधु, आप सबों को मेरी तरफ से सबको व्यवहार। क्योंकि मैं छोटी सी गाना माननीय मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन के लिए तैयार किया हूँ, इसलिए मैं गाना गाऊंगा तो केवल आप लोग ताली बजा करके थोड़ा सहयोग करने का काम करेंगे। झारखंड झुकेगी नहीं, हेमंत सोरेन रुकेगा नहीं, झारखंड झुकेगा नहीं, हेमंत सोरेन रुकेगा नहीं, कल अपना दीदी मत घबराना, कल अपना दीदी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, ओ तेरे पीछे सारा जमाना, जेल का ताला टूटेगा हेमंत सोरेन छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा हेमंत सोरेन छूटेगा, आप किसी से नहीं डरना, तेरे पीछे सारा जमाना, आप किसी से नहीं डरना, तेरे पीछे सारा जमाना। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। न झारखंड रुकेगा न झारखंड थमेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक महोदय का। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर कोल्हान प्रमंडल की हरेक बहनों की खुशियों से चमकता चेहरा, इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति, अद्भुत रैली नजारा, चारों हमें विकास विकास और खुशियां नजर आ रही है। एक बार निवेदन का जो अपनी तख्तियों को ऊपर उठा दीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तरीके से धन्यवाद कीजिए आप सभी सब, क्योंकि आपके लिए इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आए हैं। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए, हमारी दीदियां आपकी खुशियों को संकल्पित है, हमारी सरकार आपकी खुशियों को संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत धन्यवाद। कृपया अपना हाथ नीचा कर लेंगे और इसी भव्य कार्यक्रम में आज के इस अवसर पर हमारे बीच विशिष्ट अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति है। आइए हम विचारों के बीच चलते हैं। उद्बोधन की पहली कड़ी में मैं आमंत्रण देना चाहती हूँ हमारे बीच माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरवा जी है। सादर निवेदन होगा महोदय आपसे, आपके उद्बोधन हेतु आपके विचारों हेतु।
बच्चा मैदान में आयोजित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित झारखंड के युवा कर्मठ एवं दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उपस्थित हमारे बीच राज्य सरकार के माननीय मंत्री श्री सत्यानंद गुप्ता जी, माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी, माननीय मंत्री श्रीमती देवो देवी जी, माननीय सांसद श्रीमती जोभा पांडे जी, सभी उपस्थित माननीय आदरणीय विधायकगण, परमंडलीय आयुक्त तीनों जिले के तमाम पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु सभी उपस्थित हमारी माताएं बहने जो आज इस सम्मान राशि का लाभ लेने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए आप उपस्थित हैं, सबको इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और सबको तहे दिल से धन्यवाद जोहार। चूंकि झारखंड प्रदेश में जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व इस सरकार का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संभाला है, कई ऐसी परिस्थितियां आई लेकिन कभी भी राज्य को आगे बढ़ने से परेशानी नहीं कुछ भी उठाना पड़ा। महामारी जैसे स्थितियों में भी पूरे देश के लोगों ने एक संदेश दिया और इस राज्य के लोगों को एक राहत का सांस सरकार की तरफ से दिलाने का काम किया। बहुत सारी ऐसी स्थितियां पैदा हुई, राजनीति का अस्तित्व लोगों ने पैदा करने का प्रयास किया। माननीय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को राजनीतिक साजिश के तहत जेल तक का यात्रा करना पड़ा, उसके बावजूद भी ये कारवां थमा नहीं। जो कल्याणकारी योजना है, जो दूरदर्शी योजना है, उसको धरातल पर उतारने का हर संभव प्रयास किया गया। आप सभी जानते हैं सर्जन पेंशन जैसी योजना से आज हमारे माताएं बुजुर्गों जिस तरीके से उनके लिए बहुत बड़ा सहारा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है वो काबिले तारीफ है। आज पहले हम लोग किसी भी गांव जाते थे विधायक के रूप में, माँ बहने जो बुजुर्ग होते हैं हमेशा ये बात उठाते थे, बाबू हमारा पेंशन नहीं मिल रहा है, बहुत तकलीफ होता था कि हम लोग विधायक रहते हुए इन लोगों को सम्मान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन एक ऐसा योजना माननीय मुख्यमंत्री ने सर्जन पेंशन योजना लागू किया जिससे आज इस प्रदेश के सभी 50 साल से अधिक उम्र के वृद्धाओं को पेंशन का लाभ मिलने लगा। जब ये बात ध्यान पे आया माननीय मुख्यमंत्री का कि महिलाओं की औसत आयु 50 साल तक है तो वो लोग 60 साल की उम्र में उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, बहुत सारी महिलाएं, तो उन्होंने एक योजना बनाया और ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से 21 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र तक की महिलाओं को प्रोत्साहन के तौर पर सम्मान के तौर पर प्रत्येक महीना 1,000 रुपया देने का सरकार ने बीड़ा उठाया और इस योजना को धरातल पर उतारा है। आज गुलाम प्रमंडल में इस योजना को हम लोग इसका साक्षी बन रहे हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को हार्दिक दिल से इस गुलाम के वीरों की धरती से हम लोग तहे दिल से उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनको हम लोग दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि सलामत रहे और राज्य की जनता का इस तरीके से सेवा करता रहे। सच्चे दिल से हम ये बात आपको कहना चाहते हैं कि सही में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इस योजना को लॉन्च किया है उसका दूरगामी परिणाम बेहतर निकलेगा और सभी लोग स्वावलंबन और सही रास्ता की ओर इस राज्य को ले जाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ऐसे राजनीतिक स्थितियां बदलती रहती है और कुछ लोग आते हैं जाते हैं, इस तरह की स्थितियां बनी रहती है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा प्लेटफॉर्म हमेशा लोगों के लिए खुला है और हमेशा इस राज्य का आदर्श बनेगा, इसलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही ऐसा बैनर था, ऐसे गुरुजी जैसे लोग थे जो इस राज्य के सपना को साकार किया। आज हम बिहार में होते तो ये सारी चीजें हमारे लिए संभव नहीं था जो हम अपने स्तर से इस राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने का बीड़ा उठाए। हम सबों को विशेष ध्यान यह देना है
बातों को घुमा फिरा करके झूठ बोल करके लोगों को गुमराह और दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेगा, लेकिन लक्ष्य एक ही होना चाहिए इस राज्य को बेहतर बनाना। और वो लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ हमारी जो सरकार है, गठबंधन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इसको सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। ये सही बात है। इसीलिए किसी के चलवा, किसी के भ्रमित बयान पर नहीं आना। अभी कुछ लोग घुसपैठियों की चिंता सताने लगे हैं कुछ लोगों को। कुछ लोगों को लगता है कि भारत देश में आदिवासियों का स्थिति को कुछ लोग सुधार सकते हैं। आज देश आजाद के 75वें वर्षगांठ लोग मना रहे हैं, अमृत महोत्सव बोलते हैं, लेकिन आज आदिवासियों की क्या स्थिति है, किसी से छुपा हुआ नहीं। आज भी हम लोग लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ना पड़ेगा। आज यहाँ के आदिवासी बोलवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, गठबंधन सरकार के नेतृत्व में प्रयासरत है, और ये आने वाला दिन में भारत देश में एक विशाल कायम करेगा और झारखंड को नंबर वन राज्य बनाने का माननीय मुख्यमंत्री का सपना को हम लोग साकार करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम माता बहनों को, सबों को मेरी तरफ से पुनः जोहार, जय झारखंड, धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरवा जी। साथियों, हर साल रुपए 12,000 21 वर्ष से 50 वर्ष की दीदियों के लिए एक अनूठी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए हमारा महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग नोडल विभाग के रूप में शानदार कोशिशें कर रहा है। विभाग की माननीय मंत्री महोदया आदरणीय श्रीमती बेबी देवी जी की गरिमामय उपस्थिति है। सादर निवेदन मंत्री महोदया से आपके स्नेह भरे विचारों के लिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री महोदय का आपके बहुत छोटे से लेकिन बहुत प्यारे से संदेश के लिए कि हेमंत बाबू के हाथों को मजबूत करो और अपने राज्य को मजबूत करो। एक बार पुनः आभार माननीय मंत्री महोदया श्रीमती बीबी देवी जी। कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी राज्य में सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, इस विचार के साथ जन जन तक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की शानदार और ईमानदार कोशिश करने वाले माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री प्रणब गुप्ता जी की गरिमामय उपस्थिति आज के इस अवसर पर हमारे बीच है। सादर निवेदन महोदय आपसे आपके ऊर्जावान विचारों के। मैं सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, युवाओं की धड़कन, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी स्वतंत्रता और उसकी सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत झारखंड को लहान की धरती पर स्वागत करता हूँ। और मंच में बैठे हुए सभी मंत्री परिषद के हमारे साथी मंत्रियों को, माननीय विधायकों को भी बहुत 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 आभार और धन्यवाद। साथ ही सभी कोलाहल के पदाधिकारियों को भी बहुत जोहार धन्यवाद, प्रेस प्रतिनिधि साथियों को भी बहुत जोहार। और सामने जो हमारी झारखंड की जनता बैठी है, हमारे गांव से आई हुई हमारी बहनें बैठी हैं, उन सभी लोगों को भी बहुत जोहार और प्रणाम। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना का नाम मैया सम्मान योजना क्यों रखा, कैबिनेट में बहुत चर्चा हुई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका नाम मैया सम्मान योजना इसलिए रखा क्योंकि वो
जानते हैं कि माँ जो है, माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है, और माँ उसको कहते हैं, मैया उसको कहते हैं जो गीले में सो जाती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। मैया उसको कहते हैं जो ठंड से ठिठुरती है लेकिन अपनी फटी हुई आंचल में भी अपने बच्चे को समेट लेती है। मैया उसको कहते हैं जो भूख से ठिठुरती है, तड़पती है, लेकिन अपने खून को पिलाकर बच्चे को जवान कर देती है। और जब पांच पांच बच्चे को माँ जन्म दे देती है और पाल पोस के बड़ा कर देती है, लेकिन वही पांच बच्चे मिलकर भी अपने माँ पिता की जो है उनकी जो है रक्षा नहीं करते, उनके जो है भरण पोषण नहीं करते, तब उस समय इस बात को हमारे हेमंत सोरेन जी को समझ में आता है और वो कहते हैं कि हम सर्जन पेंशन स्कीम लागू करने का काम करेंगे। कोई बच्चे अपने माँ बाप को दुखी कर दे, पांच पांच बच्चे सोचे कि बड़ा बेटा देखेगा, छोटा देखेगा, मझला देखेगा, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने कहा यदि मझला सजला और छोटा नहीं देखेगा तो राज का बेटा हेमंत सोरेन है और हेमंत सोरेन देखेगा। इसलिए उन्होंने सर्जन पेंशन स्कीम लागू किया है, मैया योजना लागू करने का काम किया है। हम कहना चाहते हैं साथियों दोस्तों कि जिस तरीके से झारखंड को अपमानित करने का प्रताड़ित करने का काम किया जाता रहा है, ये जनता बता रही है, ये उलगुलान बता रहा है कि जो पहाड़ा भारतीय जनता पार्टी हमको पढ़ाना चाहती है, यहाँ की जनता वो पहाड़ा नहीं पढ़ने वाली है। हम सीधे साधे सरल लोग हैं और हम किसी के पीठ में छुरा नहीं भोंकते, छुरा मारने वाले को पसंद भी नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग कहने आए हैं कि आपके साथ ये युवा नेतृत्व है और युवा नेतृत्व हर दिशा में काम कर रहा है, चाहे वो फोटो हो, खेल का मामला हो, चाहे वो नीलामर पीतामर जन समृद्धि योजना हो, चाहे 5 लाख से 15 लाख रुपया हमारा जो है मुख्यमंत्री अबुआ योजना करने का काम किया, स्वास्थ्य का अबुआ आवास योजना लागू करने का काम किया है, रामजपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना लागू करने का काम किया है। इसलिए जब झारखंड उन्नति और समृद्धि के राह पर युवा नेतृत्व के कंधे से कंधा मिलाकर लोग चलने लगे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है और वो हमको जो है कहीं ना कहीं अपमानित और प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं एक बात के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को जेल भेजा, इसके लिए उनको हम बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो हमारे शेर थे जेल भेजा और 5 महीना रखा तो शेर बब्बर शेर बन गया और बब्बर शेर के साथ शेर की कल्पना सोरेन भी हो गई है और इसलिए अब एक और एक 11 बन गए हैं। एक ही काफी था आपसे लड़ने के लिए लेकिन अब तो 11 हो गए हैं। इसलिए आपकी चलेगी नहीं, यही जनता बता रही है और हम लोग एक एक दिन अंतिम एक दिन जो इस सरकार का है वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार चलेगी, यही आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार, प्रणाम, सलाम, धन्यवाद, शुक्रिया। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री आदरणीय श्री पन्ना गुप्ता जी। सही कहा आपने कि हम आगे बढ़े और बढ़ते चले गए, हवाओं ने लाख कोशिश की बुझाने की मगर चिराग आंधियों में भी चलते गए। जी हां, सरकार के प्रयासों के इसी मशाल को लेकर बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ने वाले श्रमिकों के मसीहा, युवाओं के शुभ चिंतक और झारखंड के औद्योगिक विकास को संकल्पित माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास तथा उद्योग विभाग आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी से सादर निवेदन आपके विचारों हेतु माननीय मंत्री महोदय। गांव घर में विकास के, रोजगार के प्यार बहाने वाले हम सभी के दिलों के धड़कन, राज्य के लोकप्रिय
प्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय सांसद जय मांझी जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय कोल्हान प्रमंडल के लोकप्रिय विधायकगण, झारखंड सरकार के पदाधिकारीगण, प्रेस मीडिया, पत्रकार मित्रों, विभिन्न प्रखंडों, विभिन्न जिला शहरों में हमारे भाइयों एवं बहनों, आज मैया सम्मान योजना पूरे राज्य भर में जिनको आशा जिसका उम्मीद रहे थे कि गोल सरकार आएगी और हम लोगों को सामान मिलेगा और खाते में पैसा आएगा, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को जिन्होंने जो कहा उन्होंने करके दिखाने काम किया। लेकिन बहुत लोगों ने कहा था कि जन धन योजना के माध्यम से कि खाता खुलवाइए 15 लाख रुपए आएगा, करोड़ों खाता खुला लेकिन 15 रुपया नहीं आया। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सौजन्य से पूरा जिला में, पूरा प्रखंड, पंचायत, गांव में, जन जन में, प्रमंडल स्तर पर डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपया रात में खटा खट मोबाइल में आवाज भी आ रही है, सभी खाते में पैसा जा रहा है। ये झारखंड सरकार के बहुत बड़ा उपलब्धि है। और जो गरीब, जो घर से बेघर थे, जिनको रहने के लिए आवास नहीं था, वैसे लोगों को वो आवास देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 लाख रुपए का 3 कमरे का मकान बनवाने का काम किया। अब झारखंड सरकार ने यानी 4.5 वर्षों में जो उम्मीद नहीं थी, जो आशा नहीं थी कि इतना विकास, इतना रोजगार, इतना गरीबों के कल्याण का हो सकता है, ये झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने करके दिखाया। लेकिन जिन लोगों ने आज सत्ता में आने के लिए कौन है, जो तूफान बचाए हुए है, तो कब मौका मिले वहां पर हम बढ़ जाए। लेकिन जिस तरह से माताओं, बहनों का, भाइयों का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है और झारखंड का शेर है, न रुकेंगे न झुकेंगे, और जिस तरह से अभियान चलाए लगातार चलता रहेगा। और झारखंड सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन में विभिन्न योजनाओं का बारी बारी सबके बीच रखेंगे। लेकिन हमारा जो श्रम विभाग में कई श्रमिकों का कल्याणकारी योजना है, जो आप लोगों को बैनर पोस्टर होर्डिंग में कहीं लगा होगा, उसमें हमारे जो गरीब है, जो निबंधित है, जो नन निबंधित है, तो घटनाएं घटती है, फिर घटनाएं घटती है, उनके परिजनों को श्रम विभाग के द्वारा डायरेक्ट उनके डीबीटी के माध्यम से खाते में भी लाभ दिया जाता है। और कौशल विभाग से भी प्रशिक्षण प्रारंभ करके वहां पर बेरोजगारों को, युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने के लिए पूरे राज्य भर के सभी प्रमंडलों में प्रमंडल स्तर पर रोजगार मेला लगाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर कमरों द्वारा 50,000 युवा युवतियों को रोजगार से झारखंड सरकार ने जोड़ने का काम किया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता 5,000-7,000, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं के 1,000 रुपया प्रत्येक महीना, युवतियों के 1,500 रुपया प्रत्येक महीना, नहीं साल का 12,000 और साल के जो 18,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से खाते में करोड़ों करोड़ रुपए हम लोग दे रहे हैं। और लोग 5,000 और 7,000 के बात करते हैं। जब मौका मिलता है काम करने के लिए तो उनको मोतिया भी हो जाता है, समस्या नजर नहीं आती है, और जब सत्ता से हटते हैं तो बकाने लगते हैं। डबल इंजन की सरकार थी, क्या क्या वादे किए, क्या लोगों को लाभ मिला, अब से छिपी हुई नहीं है। एक भी नहीं राज्य में विकास का काम हुआ, न रोजगार मिला, न महिलाओं को सम्मान मिला और न बेरोजगारों को रोजगार मिला। कुछ लोग रोजगार नौजवानों को नहीं मिला 5 लाख, जिन लोगों ने कहा था कि 2 करोड़ लोग रोजगार देंगे, क्या हर वर्ष 20 लाख लोग रोजगार मिला? जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां को नौजवान रोजगार नहीं होगा। इसलिए जुमलेबाजी से हमें सावधान रहना है और ताकत के साथ, मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री को दो त्यार नहीं,
तीर्थ है बहुमत से झारखंड में सरकार बनाने के संकल्प को लेना है। और विशेष कुछ नहीं कहते हुए गरीब एवं बेसहारों को मिल रहा है कर अधिकार, गरीब एवं बेसहारों को मिल रहा है कर अधिकार। हेमंत सरकार की जन कल्याणकारी योजना राज्य में है भरमार। सर्वजन पेंशन अगुआ आवाज देकर झारखंडियों का सपना कर रहे हैं सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय श्रम मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय विधायक आदरणीय श्री समीर कुमार मोहंती जी की। मैं डीडीसी सरायकेला खरसावा श्री प्रभात कुमार बर्दियार सर से निवेदन करती हूँ कि माननीय विधायक महोदय का आदर वर्धन यहाँ पर रहना पौधा और ये अंग वस्त्र प्रदान कर करने की कृपा कीजिए। ये स्वागत महोदय आपका समीर मोहंती सर। और साथियों अगुआ आन बान और शान, जी हाँ ये है योजना मैया सम्मान और वो ऐतिहासिक समय जिसके लिए हम और आप सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और विशिष्ट अतिथिगण हमारे बीच आए हैं। हमारे कोल्हान प्रमंडल की बहन बेटियों के लिए अब खुशियों का समय है। हमारे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा इन तीन जिलों के लिए कुल 57,38,99,000 की राशि का हस्तांतरण माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन। कृपया ये माउस क्लिक करके इन राशि का हस्तांतरण करने की कृपा करेंगे महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन और जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सब की तरफ से खड़े हो जाइए, आप अपनी जगह पर तालियों से आभार होने दीजिए। खटाखट राशि जा रही है हमारी दीदियों के खाते में, देख लीजिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सरायकेला खरसावा के लिए 24,77,28,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जा रही है तथा पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल 18,23,36,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। कुरहन प्रमंडल चाईबासा में कुल 57,38,99,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। चट्टानी इरादों की हेमंत सरकार। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने राज्य की महिलाओं के रोजमर्रा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाकर उन्हें दिया है एक ठोस आर्थिक आधार, जिसके तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रत्येक माह 1,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। राज्य के कोल्हान प्रमंडल चाईबासा के सभी जिलों में शिविरों के आयोजन के पूर्व ही आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा घर घर जाकर आवेदन पत्र का फॉर्म वितरित किया गया। कोल्हान प्रमंडल चाईबासा के सभी जिलों में शिविरों का आयोजन कर आवेदन एकत्रित करते हुए उन्हें पोर्टल पर डाला गया। अब प्रत्येक माह की 15 तारीख तक सभी चयनित लाभुकों को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि के रूप में प्रत्येक माह 1,000 रुपए का भुगतान उनके खाते में प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस योजना के लाभ प्राप्त करती हुई महिलाओं के चमकते चेहरे उनके आशाओं का दीप बनकर रोशनी फैला रहे हैं। कोल्हान प्रमंडल चाईबासा के 3 जिलों में इस योजना के तहत अब तक कुल 5,73,899 लाभुकों को कुल 57,38,99,000 रुपए की सम्मान राशि की स्वीकृति दी गई है। सरायकेला खरसावा जिले में कुल 1,43,835 लाभुकों को कुल 14,38,35,000 रुपए, पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 2,47,728 लाभुकों को कुल 24,77,28,000 रुपए तथा पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल 1,82,336 लाभुकों को
कुल 18,23,36,000 रुपए की राशि की स्वीकृति दी जा चुकी है। महिला सम्मान योजना से हमको 1,000 मिलेगा और छोटा मोटा जरूरत का सामान लेंगे, घर चलाएंगे। अब जिले के लाभार्थियों के मोबाइल पर SMS के माध्यम से उनके भुगतान की सूचना उन्हें मिलने लगी है। महिलाएं अपने नजदीकी बैंक या ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर 47,728 लाभुकों को कुल 24,77,28,000 रुपए तथा पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल 182,336 लाभुकों को कुल 18,23,36,000 रुपए की राशि की स्वीकृति दी जा चुकी है। महिला समाज योजना से हमको 1,000 मिलेगा और छोटा मोटा जरूरत का सामान लेंगे, घर चलाएंगे। अब जिले के लाभार्थियों के मोबाइल पर SMS के माध्यम से उनके भुगतान की सूचना उन्हें मिलने लगी है। महिलाएं अपने नजदीकी बैंक या ग्राहक से चिल मिला रही है। ये झारखंड सरकार द्वारा नौ मैया सम्मान योजना को 2,000 तक नाम का नौ तो मेरे खुशी और उसके मुझे करना चाहिए क्योंकि कभी जरूरत है मेरे ये सबड़ा कंपनी और मेरी टाव को कोई भी जरूर वहां पड़ा हो जाना आ नौ तो मेरे रस्ते मुझे करना मैया सम्मान योजना ते अन्य सरकार पाते 1,000 रुपये नामे तनाले ऐसे रास्ता के लिए आधार करना श्री हेमंत सोरेन बाबू आमदे शुद्ध मुख्यमंत्री नय তিনি আমাদের সমস্ত বোনেদের ভাই বাচ্চাদের কাল বোধ দেখো তো অথবা হাজার টাকা মেরে রাখছেন এটা আমি খরচ দেয় যাবে মাইয়া যোজনাতে যে 1,000 রুপে লাভ নামা এনাতে আলে বাদুর পরিবার চালাই মিলা হে হমকো এক নিয়মিত আর্থিক আধার আপনি ভবিষ্য কো আপনি ধন সে হম সকেঙ্গি সদা চমকতে চেহারে মুস্কুরাতা চেহারা जी हाँ, ये है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। एक बार फिर से आप तकती ऊपर करके दिखा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कीजिए। इतनी बहनों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। शब्द हमारे पास सही है कि हम आपको अपनी आभार की बात आप तक पहुंचा सके, लेकिन हम सब बहुत खुश है, झारखंड की बहने बहुत खुश है और इसी खुशी के बीच में सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ झारखंड के प्रगतिशील नेतृत्व के महानायक माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी को आपके ऊर्जावान विचारों हेतु आपके प्रबोधन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी। आज यहाँ शहीद फोटो बुक के इस पावन धरती पर मुख्यमंत्री सम्मान योजना के इस कार्यक्रम पर आए हुए आप सभी हमारी माताएं बहने और पूरा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कार्ड नवा कार्यक्रम में आवरण को
विधायक को बिना खुआ, सांसद को बिना खुआ, हर पदाधिकारी हो बिना खुआ, लुकुआ हो तेरा नवा कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन एवं तेरा नवा कार्यक्रम एफएम उपहार कलेक्टर आज योजना रहा जिनको राज्यों में किया होना मेरे सुझाव में दायर करा कि नवा कार्यक्रम नवा दिशा में गोवा हॉट को लगी सरकारें में ना हो एक थोड़ा आप से कौन आज सुनाई करा गोवा हॉट को खेत से बाहर होना करोड़ा एक खुली पिया कि नवा योजना आपे में खुशियां करा सबा है आप लोग योजना से खुश है ना करे बात है आज इस योजना में जो हमको यहां आंकड़ा बताया गया है कल का आंकड़ा है लगभग 6 लाख महिलाएं कोल्हान में इस योजना से जुड़ चुकी ये कल का आंकड़ा है और हर दिन 10-20-50 हजार बढ़ जा रहा है हम लोगों ने विगत 15-20 दिनों में मात्र 15-20 दिनों के अंदर इस रात की लगभग 48 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया योजना से जोड़ दिया और ये योजना खत्म होने वाला नहीं ये योजना चलता रहेगा जिस महिला का उम्र 21 साल हो जाएगा स्वतः मुख्यमंत्री मैया योजना का हकदार हो जाएगी और इसीलिए बहुत सारा महिलाओं का कल 21 साल हो जाएगा किसी का आज हो जाएगा किसी का परसों हो जाएगा किसी का तरसों हो जाएगा अगर हम आज का आंकड़ा देखेंगे तो पता चलेगा कि 6.5 लाख पार और ये उत्साह और ये उमंग कल भी हम संसार प्रधाना के एक कार्यक्रम में थे इतना बारिश
दो साल 8,000 गाड़ी मोटर नौकरी चाकरी सब पर अपने से घर में ताला लगा करके लोगों को रहने का आदेश हो गया, मुंह में पट्टी लगा करके घूमने का आदेश हो गया, बिना पट्टी लगा के कोई घूम नहीं सकता था, कोई भीड़ जमावड़ा नहीं कर सकता था, कोई घर से निकल नहीं सकता था, इसलिए काम धाम सब था, ना रेल ना हवाई जहाज ना गाड़ी ना मोटर ना साइकिल कुछ नहीं चलता था। आज बाजार की बात ऐसे स्थिति में झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए ऐसी आपदा ऐसी विपत्ति एक अभिशाप के जैसा होता है, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। सीमित संसाधन में जहां हॉस्पिटल का हालत ठीक नहीं, डॉक्टरों का आता पता नहीं, ऐसे स्थिति में भी हम लोगों ने दिन रात देख करके इस राज्य के लोगों की जान बचाने का काम किया। और आपको याद होगा कि इस कोरोना में हमारे झारखंड नहीं पूरा देश का लोग रोजगार रोजी रोटी के अलग अलग राज्यों में आपने जाकर रहते हैं। हमारा राज्य के लोग गरीब पिछड़े हैं तो बड़े पैमाने पर कोई दिल्ली कोई मुंबई कोई बेंगलोर कोई केरल कोई तमिलनाडु में जाकर काम करता था, यहां तक कि विदेशों में भी जाकर काम कर रहा था, लेकिन अचानक लॉकडाउन हुआ सबको नौकरी से बाहर कर दिया। उसके बाद तो घर सच माने के छत भी गायब हो गया, खाने के लिए होटल नहीं, राशन का दुकान बंद, भुखमरी की हालत हमारे मजदूर भाई का हो गया, पूरा देश क्राइम आप कर रहा था। और याद कीजिए वो दिन कि इस कोरोना महामारी में आपके भाइयों को हम हवा जहाज से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम कर रहे थे। देश में पहली बार या देश के प्रधानमंत्री जो है उस समय कहते थे कि हम हवाई चक्कर वाले लोग को हवा जहाज में चढ़ाएंगे, हवा जहाज में तो वो कभी चढ़ाए नहीं, लेकिन भुखमरी का हालत में जरूर पहुंचा दिया लोगों। ऐसा दर्दनाक मंजर दुनिया ने कभी नहीं देखा। हमारी महिलाएं सड़कों पर बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर हो गई, चलते चलते ये हालत था। लेकिन हम लोग अपने इस छोटे से राज्य में हम लोगों ने कोई अपना कपड़े नहीं होने दिया, शांतिपूर्वक इस महामारी का सामना हम लोगों ने मिलजुल कर किया। और आपको पता है कि उस महामारी में योद्धा के रूप में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला समूह कौन था, वो समूह था इस राज्य की महिला समूह, जहां हमारे गांव गांव पंचायत पंचायत में महिला सरकार के द्वारा दिया गया आदेश के अनुसार खाना बड़ा बना करके अपने मजदूर भाइयों को मुफ्त में खिलाने का काम कर रहे थे। इस कोरोना काल में हमारे दो दो मंत्री कोरोना के चपेट में आकर के उनकी मृत्यु हो गई। हाजी हुसैन अंसारी साहब हम लोग के बीच में नहीं रहे, टाइगर जगन्नाथ माथुर जी हमेशा कोरोना में लोगों के बीच में रहते थे बेचारे, हमने कई बार मना किया लेकिन वो लोगों के बीच से बाहर नहीं आए, और आखिरकार कोरोना ने उसको चपेट करके अपने
हमारा बीज बोने पे लगा हुआ है। यहाँ के नेताओं से वो बीज नहीं बोया गया तो आप छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश असम के नेताओं को लाया जा रहा है और यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के भीतर एक सांप्रदायिक तनाव और द्वेष फैलाने का काम शुरू होता है। किसी को आदिवासी दलित पिछड़े के नाम पर लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाओ, अगर आप पिछड़ा के नाम पर लड़ाओ, इस तरीके के लोगों के आज के दिन में भाषण चल रहे, इनको इस राज का जितना अल्पसंख्यक समुदाय है सभी इनको बांग्लादेश दिखता है, सभी इनको घुसपैठिया दिखता है। और आदिवासी हितों की बात करते हैं, आज तक भारतीय जनता पार्टी का नेता लोग आदिवासी दिवस पर आदिवासियों को बधाई देने तक इन लोग मुनासिब नहीं समझता। 20 सालों में कभी इन लोगों ने राज्य में आदिवासी महोत्सव नहीं मनाया। राज अलग होने के बाद इन्हीं के हाथ में देश राज्य का चाबुक था, बागडोर था, कभी आदिवासी महोत्सव में आदिवासियों को सम्मान नहीं मिला। आज यहाँ के आदिवासी मूलवासी की सरकार बने, हर 9 अगस्त को 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव इस साथ में मनाया जाता है। एक प्रकार है, जब से हम सरकार बनाए 1 घंटे के बाद से यह सरकार गिराने में लगे, रोज कुछ ना कुछ इतना षड्यंत्र। यहां जहां इसको सरकार बनाने का जनता मैंडेट नहीं देती है, सरकार बनाने का अधिकार जनता छीन लेती है, ये लोग धन बल के दम पर ईडी सीबीआई के नाम पर विधायकों को मंत्रियों को सरकार को डरा करके पदाधिकारियों को धमकी दे करके सरकार गिराने का काम लगा रहता है। कई राज उदाहरण जहां पर इन लोगों ने गलत उल्टे सीधे झूठा आरोप लगा लगाकर नेताओं को जेल में डाल दिया है। हमको भी 2 साल तक खदेड़ता रहा, जब आखिरकार हमसे नहीं सका तो झूठा आरोप जेल में डाल दिया। इन लोग को लगता है कि देश का सारा आदिवासी होता है, हम मानते हैं कि हमारा आदिवासी समाज अभी तक उस मकाम में नहीं पहुंचा है जहां तुमसे तुम्हारे बराबर की पढ़ाई करता हो, तुम्हारे जैसा लोगों का रिश्तेदार दलित नहीं हो, फकीर ना हो। हमारे आदिवासियों के लिए कर्ज उठा रहा था लेकिन वो भी दिन आएगा, उस मकाम पर हम लोग भी धीरे धीरे पहुंचेंगे। इसीलिए हम लोगों ने एक एक कदम आगे बढ़ाया और आज आने वाली पीढ़ी मजबूती से अपना कदम बढ़ाए, जिसके लिए पहले हम अपनी जड़ें मजबूत करेंगे, इस राज्य की महिलाओं को सशक्त करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी मजबूती के साथ अपना हक अधिकार लेने में ताकत जुटा सके। राज अलग होने के बाद या राज अलग होने से पहले आज भी हमारा गांव ऐसा ऐसा पहाड़ जंगल नदी किनारे बसा है जहां आज के दिन में
और आज इसी का नतीजा है कि गांव का आज एक भी बिना बुढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं। आज पहले हमारे डबल इंजन की सरकार के लोगों ने इस राज्य में 20 साल के बाद 15 लाख लोगों को ही पेंशन दिया और उसमें पता नहीं कितना बुढ़ा और बुढ़ी लोगों का, लेकिन 4 साल के अंदर मात्र 4 साल में हमारी सरकार ने गठबंधन की सरकार ने इस राज्य के 40 लाख बुजुर्गों को पेंशन देने का राज का हर गरीब को साल में 2 बार कपड़ा
को तो हिंदू मुस्लिम करना है, जात पात के दम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। और आए मन कहना दुआ एड़े एड़े कथा 2019 कौन पहले लेकिन सरकार है कोरोना जैसा महामारी है ना पूरा किसान रे और को बिना को परेशान ना उन जो कोई हो एक मिनट तक हो ना उन्हें रेगेट से भाई को सरा बड़े बुजुर्ग काम को हमारा ताने पे आंतु आंतु रे जवाब बिना कभी नहीं हम पता है उन्हें तो जा के ना कि वहाँ किसान रे सरा पर पहले वो को हमारे को बच्चे ने चुका ताकि इसी वाला पूरे किधर किधर मौत को और बड़ा पावा दुर्घटना को देखा और साथ साथ में नुकुआ सरकार है डबल इंजन सरकार है नुआ किस्मों में 11 लाख राज सरकार को भी निकल दा अब वो सरकार बिना होगा 20 लाख हमारा सरकार बिना हो चुकिया कई ऐसी चीजें ये लोग नौकरी का बात बोलता है बेरोजगारी भत्ता का बात होता ही भारत जाके देखो ना यार ब्लॉक में हम तो बेरोजगारी भत्ता देता है कि नहीं देता है पता कर लो। आज कोई झारखंड का घर नहीं है जहां सरकार की योजना है उसके दरवाजे टैंक तक खा रही है। और आज जो महिला पे सम्मान योजना मिल रहा है क्या आपको कोई ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ा है क्या? किसी को ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़ा बल्कि ब्लॉक आपके घर में जाकर के आपका रसीद आपका फॉर्म भर करके आपका योजना आपके बताइए कई बार दूर करना पड़ा है महीनों का चक्कर लगाना पड़ा है। ये तो 15 दिन 20 दिन में आप लोगों को ये पैसा शुरू हो गया बहुत का आप लोगों का खर्च है। इसलिए हमारे दीपक के लोग तरह तरह के शरीर तरह तरह का झूठ और आजकल नया नेता नया कैंडिडेट कैसे ये झारखंड में अपना रोटी सेके इस पर लगे खैर चिंता नहीं है इतना लड़ाई लड़ेगा इतना संघर्ष होगा थोड़ा बहुत खरोंच लगेगा लेकिन चिंता नहीं झारखंडियों का खून है इतना आसानी से इसको खत्म करने का सपना भी तुम मत देखो। आज यही इतिहास गवाह है सिद्धू कानू चांद भैरव तिरका मांझी भगवान बिरसा मुंडा का ये धरती है हर एक कोना हर एक तरह में आपको ऐसे दिन शहीद मिलेंगे जिसकी आवाज ना कभी खत्म हुई है ना कभी खत्म होगा और उस आवाज के सहारे इस राज्य में हम क्या आदिवासी मूलवासी ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नमाज यादें रखने वाले लोगों को हम लोग मुंहतोड़ जवाब दें कितना देर भरोगे कितना झूठा आरोप लगाओगे। आज नहीं कल इसका जवाब तुमको बहुत मजबूती के साथ राज्य की जनता देगी। राज्य रूप से नहीं सकते हैं तो गलत सलत आरोप लगा करके ये लोग हमें और हमारे राज्य के लोगों को भी भ्रमित करना चाहते हैं। बहुत सारी योजनाएं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से गाड़ी घोड़ा सब बात बढ़ रहा है कोई बेलेरो ले रहा है कोई ट्रैक्टर ले रहा है कोई बस ले रहा है स्वरोजगार के लिए लगे हुए लोग। आज बारिश का मौसम में कई बदलाव हो रहे हैं समय पर बारिश नहीं होता आज किसान भी परेशान है इसीलिए किसानों के लिए सिर्फ धान पर निर्भर कर रहे हैं इसके अलावा और भी कई खेती की व्यवस्था है उसके माध्यम से अपने आप को किसान के रूप में अपना काम करते रहे इसके लिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना भी लाया
दीदी बगिया योजना लाया है, दीदी बाड़ी योजना लाया है, ताकि धान के अलावा आप मकई लगाइए, आम का पेड़ लगाइए, लीची का पेड़ लगाइए, उससे भी लोग अपना आमदनी बढ़ाता है, अपना पैसा कमाता है। कई ऐसा राज्य है, कई ऐसा देश है जहां अपना इन फलों के माध्यम से पूरा दुनिया में नजर आता है और उसका अर्थव्यवस्था भी इतना अधिक हो जाता है कि पूरा देश और पूरा राज्य करता है। आज यहां का कोयला, यहां का लोहा, यहां का ब्रश, यहां के खनिज संपदाओं से हमारे आदिवासी पूर्ववासियों को कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे इस खनिज संपदा से इस देश के व्यापारियों का फायदा हुआ और इसीलिए हमारा सरकार बनने के बाद भारत सरकार के कंपनियों से हम लोगों का 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया निकला। जब हम लोग वहां पे चले तो हमको जेल में डाल दिया। आवाज मत करो इसका हमको डरा रहा, इसका धमकी आने लगा, लेकिन उसको पता नहीं कि हम लोग हक अधिकार अगर आप नहीं दोगे तो हम लोग छीन के भी ले दोगे। और आने वाला समय में अभी हम लोगों ने तो कानून बनाया है कि यहां पर कोई भी फैक्ट्री या उद्योग रहेगा तो 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। इस कदम में चीजें हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाला समय में यहां खरीद संपदा निकालने वाला कंपनियों से सारा हिसाब किताब किया जाएगा। अगर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो खनन कंपनियों को भी काम करने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है। तो कई ऐसी चीजें पढ़ने लिखने को लेकर अपने औलाद बच्चों के लिए हमारे गरीब गुरुआ माँ बाप लोग पैसा के अभाव में बच्चों लोग को पढ़ाता नहीं है। आप तो उसका चिंता मत कीजिए, अपना बेटा बेटी लोग को पढ़ाइए। अब सरकार आपके लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेके आई है जहां 15,00,000 रुपया का 7,00,000 रुपया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको मिलेगा और कोई जमीन पर तक रखने का जरूरत नहीं। खाली वो कार्ड लेके जाओ और पैसा स्कूल और कॉलेज में चला जाए। तो कई चीजें एक एक करके बताएंगे तो ये समय भी कम पड़ेगा। अभी यही प्रहार क्षेत्र में हमको लगता है 20,000 या 25,000 को इसी क्षेत्र में हम लोगों ने ऐसे ही प्रकार लगा करके नियुक्तियां दी थी, लेकिन इन लोगों को दिखता नहीं है। 1,00,000 से अधिक निजी क्षेत्रों में हम लोगों ने रोजगार दिया, 35,000-40,000 सरकारी नियुक्तियां दी। अभी और भी सरकारी नियुक्तियां प्रक्रिया में चल रहा है, अभी भी दौड़ चल रहा है। उत्पाद पाई की बहाली तो इनको दिखता नहीं है, इनको लगता है कि जादुई का छड़ी है और सारा काम तुरंत हो जाता है। ये लोग 20 साल रहा केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार, जहां सबसे अधिक नौकरी होता है फौज में वहां नौकरी बाद अग्निवीर लेके आ गए ऐसा नौकरी, जहां 4 साल के बाद फिर वहां का जो सिपाही है बेरोजगार होता है। हम लोगों ने कानून बनाया कि अग्निवीर में जो शहीद होगा उसको भी राज्य सरकार या फिर सिपाही के सम्मान देने का काम करेगा। उसके बाद रेलवे में नौकरी होता था उसमें भी नौकरी बंद, बैंक में नौकरी होता था उसमें भी बंद, अब सब राज्य सरकार नौकरी दे रही है इसका हाल। और आपके डीएम से महंगाई इस तरीके से आज भी बढ़ा रहा है, आज एक प्लेटफॉर्म का टिकट जहां 3 टका 5 टका था आज 50 रुपया 100 रुपया हो गया। ये हालत किताब कॉपी कपड़ा लत्ता जूता चप्पल
जेल का कमी को चला देना और आपको जेल नहीं ले सकते। जो आपको पहले विधा पेंशन सर्जन पेंशन आज कार्यक्रम में हमारा पूरी सलाह ले जमा देना देन आपने बहुत और सलाह कि आप योजना पंजाब का समाज पंजाब का होना नहीं ले आना लेते और सजग करना अधिक युवा योजना लगातार चला तब होना होना आरोप चिंता है और जहां के सारे बारे में रुपया आप अपना बड़ा बड़ा करके दिवाली लाभ और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कई सारी चीजें हैं। आज मजदूर भाइयों को देश विदेशों से लाने का बाद देश विदेशों में उनको सहायता पहुंचाने का बाद उनके परिवारजनों का बाद सब तरीके का सहायता राज्य सरकार पहुंचा लेकिन उसके एक महत्वपूर्ण विषय राज्य सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है लेकिन वो 200 यूनिट में थोड़ा सा छोड़ रह गया जो विशेष रूप से गरीबों के बेचारा लोग का पहले का जो पुराना बिल है उसका बकाया भुगतान नहीं कर पा रहा। हमने कल भी कहा था और आज भी आपको हम बता रहे हैं कि अब आने वाले समय में बहुत जल्द उन गरीब का बकाया भी हम माफ करने की निर्णय लेने की ओर आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपके ऊपर कोई दोष न लगे। किसानों का कर्जा माफ का हम लोगों ने कानून बना दिया है जो 2 लाख रुपए तक का ऋण लिया हुआ किसान है अब उस किसान का ऋण माफ कर दिया जाएगा। यह आलोक पहले लेकर बिजली का जो करने जा रहे हैं इसीलिए आई एम अवार्ड दीपक चुकाओ रिया समय युक्त रहा आई एम अवार्ड ने एटा एटा दीपक चुकाओ एटा एटा मंत्र को जलवा और आप अपने और को बस पर बुरा बुरा मुझे कबूतर और एड़े सारी कथा को लेकर गुली को पे भाई नवाब को जो जवाब करा तो अब झारखंड सरकार आबोआ सरकार आपे तो चीन पे लोग कर आज खराब नेता जो व्यापारी ने फॉर्ड होते हैं जवाब पीटर को आदि सोने सरकार को बनाओ आज देश के अंदर व्यापारियों की जवाब जो यहां देश की सरकार कर रही है इनके पास गरीबों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है महिलाओं को सम्मान राशि देने के लिए पैसा नहीं है हमारी बच्चियों के लिए पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है उनको सम्मान राशि देने के लिए पैसा नहीं है हमारे किसानों का ऋण माफी करने के लिए पैसा नहीं है लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारी साथियों का करोड़ों अरबों रुपया माफ करने का पूरा पैसा ही लोग अजीब हालत यहां का गरीब भूख से मर जाए कोई लेना देना नहीं लेकिन व्यापारी लोग को भूख से नहीं मरने देना यही जो प्रगति है ये लोग आम जनता को यहां तक जनता को छोड़ो भगवान को भी नहीं छोड़ता है अभी लोकसभा चुनाव में इतना हिंदू मुस्लिम का जहर होया इतना आगरा पिछड़ा का जहर बोया इतना आदिवासी दलित पिछड़ा का जहर बोया लेकिन ऊपर वाला का जो लाठी का भार है वो दिखता नहीं है सीधा असर करता भगवान राम ने भी उनको इतना बड़ा ऐसा दिखा दिया कि आज केंद्र की सरकार इतनी छोटी हो आज सरकार बनाने के लिए उसको बैसाखी का जरूरत पड़ेगी हालत तो इसलिए झारखंड हमेशा से एक आंदोलनकारी प्रदेश रहा है कैसे लेंगे झारखंड लड़के लेंगे झारखंड अब यही केवल कैसे लेंगे अधिकार लड़के लेंगे अधिकार तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं करते हुए हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करेंगे क्योंकि ये कार्यक्रम हम लोगों ने रक्षाबंधन का एक दिन पहले शुरू किया
ताकि आप महिलाओं की सुरक्षा, इनके मान सम्मान, स्वाभिमान, महिला सशक्तिकरण का एक ऐतिहासिक कदम हो। हमने यहाँ के हमारे ग्रामीण भाई, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बारे में तो अनेकों योजना है। साथ साथ में हमारे सरकार के अंदर काम कर रहे कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, उनके मानदेय भी हम लोगों ने बढ़ाए। हमारे राज के मांझी, मुंडा, डकुआ, प्रेत, नायके, मझेला, इन लोग का सम्मान आसन को भी हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। कितना इसलिए अभी आज समय कम है, आप लोग अभी खेती बाड़ी का भी समय है, तो आप दूर दराज जाना है तो आगे बैठ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से का जो आप अपना शक्ति दिखाइए तो कितना तो महिला सम्मान राशि मिला जरा दिखाइए तो से। और बगल वाला पंडाल और उधर वाला पंडाल के महिलाएं बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया जो बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। यकीनन यकीनन आपके प्रगतिशील नेतृत्व में बदल रहा है झारखंड, विकास के नए आयाम बढ़ रहा है झारखंड, हर तरफ खुशियां है अब। और आइए इन्हीं खुशियों को आगे बढ़ाते हैं हमारे कोल्हान प्रमंडल के कुछ दीदियों को सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय इस मंच पर सम्मानित करेंगे। इसमें पहला आमंत्रण पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से चांदमनी चांपिया तुईवीर से सादर आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचा से विशिष्ट अतिथिगणों से कि ये सम्मान हमारी दीदियों का संकल्पित हमारी सरकार सम्मान राज्य की बेटियों का हो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये गहराता संकल्प है। ये है चांदमनी चांपिया तुईवीर से पश्चिमी सिंहभूम जिला चाईबासा मोती पूर्ति अगला नाम होगा मोती पूर्ति। अगला आमंत्रण मोती पूर्ति बादुरी पश्चिमी सिंहभूम। ये सांकेतिक रूप से कुछ सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी दीदियों को प्रदान कर रहे हैं। माथे में ये हरे रंग का साफा बांधे हरियाली और चेहरे पर मुस्कुराहट ले ये दीदियां आगे आ रही हैं। चांदमनी पूर्ति बादुरी से भी आएंगी अब चांदमनी पूर्ति इस समय मंच पर है। मोती पूर्ति सम्मान ग्रहण करते हुए और उसके बाद मैं आमंत्रण दे रही हूँ चांदमनी पूर्ति बादुरी से। उसके बाद अगला आमंत्रण होगा संगीता लोहार। आपको मिल रहा है ये मैया सम्मान योजना का स्वीकृति पत्र, इसके साथ ही एक प्रमाण पत्र और ये कांसे की थाली जो हमारे झारखंड के हर घर में होती है बहुत शुभ मानी जाती है। यही शुभ संदेश आपके लिए कांसे की थाली पर मैया सम्मान योजना को उकेरा गया है। संगीता लोहार बादुरी से संगीता लोहार आगे आएंगी चांदमनी पूर्ति के बाद में। और अगला आमंत्रण होगा सिमलम हेम्ब्रम मक्कम हेतु से सिमलम हेम्ब्रम अगला नाम होगा। ये है हमारी पश्चिमी सिंहभूम जिला चाईबासा की बहने और आप पूर्वी सिंहभूम की बहनों को मैं आमंत्रण दे रही हूँ गुलाबी सरदार खड़िया साई। गुलाबी सरदार खड़िया साई से आप है तालियों की गड़गड़ाहट चाहूंगी। एक बहुत नई काम हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री जी हर एक दीदी से बात कर रही हैं। बुलबुली सिंह महुलिया से बुलबुली सिंह अगली लाभुक होगी महुलिया से। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और विशिष्ट अतिथिगणों के कदमों के द्वारा हमारी दीदियों को सम्मान न सर झुकेगा न सर कटेगा बल्कि आगे बढ़ेगा झारखंड। बसुमती बुलबुली सिंह के बाद बसुमती गो महुलिया से आप आएंगी आगे
पूर्वी सिंहभूम जिला के हमारे लाभुक कोल्हान प्रमंडल के तीन जिले पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा इस समय पूर्वी सिंहभूम बगली चैटर्जी महुलिया से अगला आमंत्रण बगली चैटर्जी महुलिया से और अगला आमंत्रण होगा सिंधु गो पावड़ा नरसिंहगढ़ सिंधु गो पावड़ा नरसिंहगढ़ पूर्वी सिंहभूम के हमारे ये लाभुक सांकेतिक रूप से अतिथि गणों के कर्तव्य के द्वारा ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। अब सरायकेला खरसावा के लाभुक आएंगे सुरु मुंड्री सरायकेला जिला सुरु मुंड्री आप हैं सरायकेला से पार्वती हाजदा सरायकेला से आप भी हैं पार्वती बहन आप भी सरायकेला से हैं सोनिया मांझी ईचागढ़ सोनिया मांझी ईचागढ़ से आएंगी रजनी देवी आप भी ईचागढ़ से हैं सोनिया मांझी के बाद में रजनी मांझी और उसके बाद आएंगी तारनी नायक कमरिया से। ये सम्मान का सिलसिला कभी थमेगा नहीं यहां से उठकर ये कदम कभी रुकेंगे नहीं। झारखंड माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के ये ऊर्जावान नेतृत्व में निरंतर निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। ये है तारनी नायक हमारी अगली लाभुक सरायकेला खरसावा जिला। ये हमारे तीनों जिले को धन प्रमंडल के धन्य है वीरों की ये भूमि जहां पर एक और वीर और ऊर्जावान नेतृत्व झारखंड के लोगों का इतना शानदार नेतृत्व कर रहा है कि अब किसी को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। हम विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत ये सम्मान हमारी दीदियों का। धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और अतिथि गणों का और खास स्मृति चिन्ह तमाम कोल्हान प्रमंडल के लोगों की तरफ से ये सम्मान और ये सम्मान स्वरूप भेंट हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कर रहे हैं। निवेदन होगा उपायुक्त सरायकेला खरसावा श्री रविशंकर शुक्ला सर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये विशेष भेंट स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करे। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भेंट प्रदान की जा रही है और तत्काल सुनिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप भी आगे आएंगी। सशक्त नारी सशक्त समाज और इसके ये मिसाल ये मंच है। तत्काल सुनिए मैडम ने हमें बताया है कि कैसे सशक्त होकर महिलाएं आगे आ सकती हैं। धन्यवाद मैम। अगला आग्रह होगा उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम कुलदीप चौधरी सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का आदर वर्धन यहाँ पर स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करेंगे। कुलदीप चौधरी सर निवेदन आपसे सत्यानंद भोक्ता मंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह अनन्य मित्तल सर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त और अब पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी सर से निवेदन आदरणीय बन्ना गुप्ता जी माननीय मंत्री महोदय के लिए स्मृति चिन्ह उप विकास आयुक्त पूर्वी सिंह मनीष कुमार सर से निवेदन दीपक देवा सर के लिए स्मृति चिन्ह आप प्रदान करेंगे माननीय मंत्री महोदय के लिए। अगला आग्रह होगा उप विकास आयुक्त पश्चिमी सिंहभूम संदीप मीना सर से माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी हमारे बीच है ये स्मृति चिन्ह हम आपको प्रदान कर रहे हैं। अगला आग्रह बेबी देवी जी के लिए स्मृति चिन्ह अगला आग्रह होगा डीडीसी सरायकेला खरसावा से माननीय विधायक माननीय सांसद श्रीमती झोपा मांझी जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। उप विकास आयुक्त महोदय से निवेदन होगा ये झोपा मांझी जी के लिए स्मृति चिन्ह आप प्रदान करेंगे। माननीय सांसद महोदया गरिमामय उपस्थिति आपकी हमारे बीच। अब अपना निवेदन करना चाहती हूँ श्री कुमार रजत सहायक संभारता सरायकेला से माननीय विधायक आदरणीय श्री दशरथ गगराई जी का आदर वर्धन आप यहाँ पर करेंगे ये स्मृति चिन्ह सम्मान स्वरूप आप उन्हें भेंट करें। निवेदन अपर उपायुक्त सरायकेला खरसावा संजय कुमार दास जी से माननीय विधायक श्री नीरज पूर्ति जी को ये स्मृति चिन्ह आप प्रदान करेंगे। अपर उपायुक्त सरायकेला खरसावा
संजय कुमार दास सर से निवेदन होगा। ये समान स्वरूप समस्त कोल्हान प्रमंडल की तरफ से ये स्मृति चिन्ह हम भेंट कर रहे हैं। कुमार अर्णव मिश्रा सहायक समानता कर्शी से मुंह से निवेदन होगा। माननीय विधायक महोदय श्रीमती सविता महतो मैम की उपस्थिति है हमारे बीच। ये स्मृति चिन्ह समान स्वरूप हम आपको सप्रेम भेंट कर रही है महोदय। अगला निवेदन मैं करना चाहती हूँ उप विकास आयुक्त पूर्वी सिंहभूम से हमारे बीच माननीय विधायक श्री मंगल कालिंदी सर है। ये सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं सर। ये स्मृति चिन्ह सम्मान स्वरूप आपके लिए भेंट है। मेरा अगला आग्रह होगा परियोजना निदेशक आईपीडीए पूर्वी सिंहभूम दीपांकर चौधरी सर से हमारे बीच माननीय विधायक आदरणीय श्री रामदास सुरेन जी की उपस्थिति है। हम ये स्मृति चिन्ह आपको प्रदान कर रहे हैं महोदय। मैं निवेदन करना चाहती हूँ उप विकास आयुक्त सरायकेला खरसावां प्रभात कुमार बदरिया सर से हमारे बीच माननीय विधायक आदरणीय श्री समीर कुमार मोहंती जी की उपस्थिति है। ये सम्मान की भावनाएं हम आप तक स्मृति चिन्ह के रूप में सहेज कर सप्रेम भेंट कर रहे हैं माननीय विधायक श्री समीर कुमार मोहंती जी के लिए। अब मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त सरायकेला खरसावां से हमारे बीच माननीय विधायक गांडे श्रीमती कल्पना सोरेन मैम की उपस्थिति है। ये स्मृति चिन्ह महोदय आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए। मेरा अगला निवेदन होगा कुमार रजत सहायक समाहर्ता सरायकेला से माननीय विधायक श्री संजीव सरदार महोदय को आप ये स्मृति चिन्ह सप्रेम भेंट करेंगे। कुमार रजत सहायक समाहर्ता से निवेदन होगा माननीय विधायक श्री संजीव सरदार जी को ये स्मृति चिन्ह आप भेंट करें। अगला आग्रह कुमार अर्णव मिश्रा सहायक समाहर्ता पश्चिम सिंहभूम से माननीय विधायक श्री सुखराम उराव जी को ये स्मृति चिन्ह हम भेंट कर रहे हैं महोदय। आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आभार आपका। निवेदन होगा अपर उपायुक्त सरायकेला श्री संजय कुमार दास जी से हमारे बीच माननीय विधायक आदरणीय श्री सुखराम उराव जी ये स्मृति चिन्ह आपके लिए। और अब निवेदन संजय कुमार दास जी से ही माननीय विधायक सोनाराम सिंह को जी हमारे बीच है। हम ये स्मृति चिन्ह आपको भेंट कर रहे हैं माननीय विधायक महोदय आदरणीय श्री सोनाराम सिंह को जी। ये है हमारे सम्मान की भावनाएं जो स्मृति चिन्ह के रूप में हमने समेटी थी। और अब यकीनन बढ़ते झारखंड और विकसित झारखंड की संकल्पना के साथ कार्यक्रम के इस पड़ाव पर मैं निवेदन करती हूँ उपायुक्त सरायकेला खरसावां श्री रविशंकर शुक्ला सर से धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु महोदय। मुख्यमंत्री जी सहभाव देवी का नाम मानवतान मंत्री श्री सत्यानंद गुप्ता जी श्री बन्ना गुप्ता जी श्री दीपक विवा जी मानवकिया मंत्री बेबी देवी जी मानवकिया सांसद जोबा माझी मैडम मानवकिया विधायक मैडम मानवतान विधायक गण यहाँ उपस्थित सभी पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के जो आगंतुक हमारी मैया हैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अड़ी अड़ी सहभाव एक बार पुनः आभार और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथि गणों से इन अविस्मरणीय पलों को कैमरे में कैद करने के लिए हमने एक फोटो गैलरी तैयार की है महोदय। हमारी दीदियां जिनके खाते में राशि जा चुकी है वो दीदियां आपके साथ एक इन हमारे तमाम अतिथि गणों के साथ में इन पलों को अपने कैमरे में कैद कर सहेज कर रखना चाहती है और एक अलग तरह से आभार और धन्यवाद करना चाहती है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और इसीलिए फोटो सेशन होगा फोटो गैलरी का। मैं निवेदन करना चाहती हूँ फोटो शूट के लिए हमारे अतिथि गणों से। साथियों बेहद
सबक बने हम और आप।